हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का मेन एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हम लोग यहां पर सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना था। तो यहां पर सबसे पहले अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने रिसेंटली एग्ज़ाम दिया है तो अपना रिव्यू जरूर लिखिएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस है वो इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा बनाए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके पूछे गए हैं, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर वन बाय वन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, जो कि आज ही के दिन पेपर लगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 है वो दोनों सेक्शन में कंपलसरी करना था, बोथ ए एंड बी कंपलसरी सेक्शन, जो सेक्शन है उसके अंदर 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको कंपलसरी करना था। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स पूछे गए, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने थे, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट, हाइपोथैलेमस, किडनी और क्रेनियन नर्व्स के बारे में पूछा था। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस, किडनी और स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट और क्रेनियन नर्व्स, तीनों चारों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मेंशन किए थे और वह यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स, 3 शॉर्ट नोट्स करने हैं, हार्ट का, एड्रीनल ग्रेन और CSF और गल ब्लैडर। तो ये भी आपका आई होप अच्छा हुआ होगा क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है ट्रीकिया, टंग, ईयरोसिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, इस यहाँ पर भी इन्होंने शॉर्ट नोट्स पूछे। यहाँ पर कम्प्लीटली 4th जो क्वेश्चन था कंपलसरी, उसके अंदर स्प्लीन, लीवर, डेल्टॉइड मसल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये यहाँ पर एनाटॉमी सेक्शन था। नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजी के सेक्शन में, जिसके अंदर राइट डिटेल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बताना और डिफाइन करना आपको टाइडल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स लिखनी है क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइड, यहाँ पर WBC का क्लासिफिकेशन और ल्यूकोसाइड लिखना है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ल्यूकोसाइड, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखना है, देन उसके फंक्शंस लिखना है। नेक्स्ट है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये क्वेश्चन मैंने बताया, और यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन वाला भी यहाँ पर आपसे बताया गया था। नेक्स्ट है ECG और डाइजेशन इन स्टमक। नेक्स्ट डिफाइन कार्डिक आउटपुट, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके अफेक्ट करते हैं, एंड व्हाट इज़ कार्डियक इंडेक्स, कार्डियक इंडेक्स क्या होता है। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ सलाइवा, सलाइवा के फंक्शंस यहाँ पर आपको बताने। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया। नेक्स्ट सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये क्वेश्चन पेपर है जो कि आपसे पूछा गया है, आने वाले इंपॉर्टेंट जो भी लेक्चर्स है वो पाने के लिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स सभी के लिए आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करना है। WhatsApp ग्रुप में ऐड नहीं है तो WhatsApp ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहां से आप WhatsApp ग्रुप के अंदर ज़रूर ऐड होइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।